नमस्कार दोस्तों, वियली फैमिली चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ जो वोटर कार्ड से ही संबंधित है। पिछले वीडियो में भी वोटर कार्ड से ही संबंधित वीडियो बना था और ये भी। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने वोटर कार्ड को में कैसे कुछ बदलाव कर सकते हैं, कोई करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आप नए वोटर बने हैं, आप नए नए वोटर बने हैं तो भी अपना वोटर कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, और अगर आप पुराने वोटर हैं, आपकी पुरानी वोटर आईडी कार्ड है, तब भी आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो पुरानी वोटर आईडी कार्ड थी उससे अब अलग चेंज हो गई है, एक नई प्रकार की बहुत अच्छी दिख रही है वोटर आईडी। नई फॉर्मेट वोटर की तैयार हुई, वोटर आईडी तैयार हुई है। तो आप अपनी नई वोटर आईडी कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और अगर आप चाहें तो जो नई वोटर आईडी की फॉर्मेट आई है उसको आप घर भी मंगा सकते हैं। आप इसी लॉगिन आईडी से, जिस लॉगिन आईडी से आप डाउनलोड करेंगे उसी लॉगिन आईडी से आप चाहें तो वहां से ऑर्डर कर देंगे, तो आपके घर पर जो आपकी वोटर आईडी है वो आ जाएगी। तो वोटर आईडी डाउनलोड कैसे करें, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.eci.gov.in पे आ जाएंगे, वहां से डाउनलोड ईपिक कार्ड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट होगी, 5 से 10 सेकंड में वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ भी आने की आपकी कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट voters.eci.gov.in पे ही आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आप ईपिक डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप वही लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैं ये बताया हूँ कि यहाँ से साइनअप आप कैसे कर सकते हैं। वही स्टेप से आप साइनअप करेंगे, जो कि एक ही साइनअप से आप चाहें तो अपना वोटर कार्ड करेक्शन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नया वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें फोटो चेंज कर सकते हैं, तमाम तरह की सेवाएं आप एक ही लॉगिन आईडी से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा अपना, मैं साइनअप पहले से कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं लॉगिन करूंगा अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के। आप चाहें तो यहाँ से साइनअप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे वोटर कार्ड को उसमें डाउनलोड करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको सेम वैसे ही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ईपिक डाउनलोड पे आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपना वोटर कार्ड का नंबर डालेंगे, जो आपके पास पहले से वोटर कार्ड मौजूद होगा उसका यहाँ पे नंबर डालेंगे और अपना स्टेट डालेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से वोटर कार्ड ओटीपी जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मैं पहले इससे बता दूँ कि मैं बताया था आपकी ये घर पर भी आ सकता है, प्लास्टिक कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके घर पर वोटर कार्ड भेज देगी। तो यहाँ फॉर्म क्लिक कर देंगे, जहाँ से हम लोग करेक्शन करते हैं वहीं पे आप फॉर्म 8 फिलअप करेंगे। यहाँ पे देखा देखा होगा आपने फॉर्म फॉर्म फॉर शिफ्टिंग करेक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक। तो आप यहाँ पे कुछ करेक्शन करने के बजाय आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक पे क्लिक कर देंगे, तो आपके घर पे वोटर कार्ड जो नया फॉर्मेट बना हुआ है वो आपके घर तक आ जाएगा। कि मैं इस वीडियो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप डाउनलोड ईपिक कर लेंगे तो भी आप सेम वैसा ही आपके घर अगर कलर प्रिंटर होगा या किसी जन सेवा पे जाके कलर प्रिंट उसको करा के उसको अच्छे से लेमिनेट करा लेंगे तो सेम वैसा ही होगा। लेकिन आप चाहें तो घर पर भी मंगा सकते हैं, वो प्लास्टिक प्रिंट की तरह आता है। तो यहाँ पे आप अपना वोटर कार्ड का नंबर डालेंगे और अपना स्टेट डालेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। मैं करके बताता हूँ। हाँ, तो हमने अपना वोटर कार्ड का नंबर डाल दिया हुआ, स्टेट डाल के इसको सर्च पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे अपना वोटर कार्ड नंबर और स्टेट डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपका इपिक नंबर, आपका नाम, आपका रिलेटिव मतलब फादर नेम या हस्बैंड नेम, आपका स्टेट, आप एक एसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इसमें लिंक होना जरूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। वहीं वहीं एक फॉर्म 8 से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आपका जो भी कुछ गलत है वो करेक्शन कर सकते हैं, या आप वहां से अपना ईपिक डाउनलोड सॉरी डाउनलोड नहीं ऑर्डर कर सकते हैं। प्लास्टिक ऑर्डर कर सकते हैं, प्लास्टिक वाटर प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर वहां पे कर सकते हैं फॉर्म 8 से। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तब तो यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अगर मोबाइल नंबर 8 नहीं होगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपका मोबाइल नंबर 8 नहीं है, आप फॉर्म 8 पे जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें।
तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर अपडेट है, तो मैं इस पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के इस पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ पे लिख देगा ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आप डाउनलोड एपिक पे अपना आप क्लिक कर देंगे। अब आपका वोटर कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया, एकदम चमचमाता, एकदम अच्छा सा इसी फॉर्मेट, ये नया फॉर्मेट बना हुआ है वोटर कार्ड का आपका। इसमें दो फोटो, जैसे आधार कार्ड के आप लोगों ने देखा होगा जो घर पे पीवीसी कार्ड प्रिंट करके आता हुआ है प्लास्टिक वाली कार्ड, सेम वैसे ही वोटर कार्ड का फॉर्मेट आ चुका है। इसमें बारकोड पीछे लगा रहेगा, आगे दो फोटो आपका रहेगा, आपका पूरा डिटेल्स इसमें है। तो आप यहां से डाउनलोड करके उसको अच्छे से लेमिनेशन वगैरह करके रख सकते हैं, या मैं जैसे आपको बताया आप वहां से जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपका पीवीसी कार्ड घर पे आ जाएगा वोटर कार्ड का। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो अपना नया वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकें। धन्यवाद, गुड नाइट।